वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख रहे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडियन एक्सपेरिमेंट, और आज हम आपको एक ब्लॉग शूट करके बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे गेहूं की फसल है, तो इस गेहूं की फसल में हम पानी दे रहे हैं, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो इस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है इसमें, और इधर पानी जा रहा है। तो मैं आपको गेहूं की फसल बता रहा हूँ, तो ये हमारे गेहूं की फसल में बाड़ी निकलने ही वाली है। तो आप देख सकते हो इसमें हल्की फुल्की बाली निकल आई, और अब बाद में निकलेगी हल। तो देखते हैं आगे चल के जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे बताएंगे आपको। अभी टाइम लगभग सुबह के 8 बजे हुए हैं, और आज सर्दी भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करते। तो हमारे पानी, कहने का मतलब यहाँ पे पानी आ रहा है गेहूँ में, और पानी चल रहा है। तो अभी इस वाले जो कि क्यारा बना रखा है हमने, इसमें जा रहा है पानी। तो जाने देते हैं इसमें। तो ये देखें हमारे चारों तरफ का नजारा हम बता रहे हैं। यहाँ पे पानी आ रहा है दोस्तों। ये हमारी पपीता है, तो इसके आ चुकी है, देख सकते हो आप। ये नीचे भी आ रहा है, और ये दूसरा पेड़ है, अभी छोटा है तो इसके बाद में आएगा। और ये नर पेड़ है, तो इसके पपीता आने का नाम नहीं है। और दूसरी बात, हमारा ये नींबू का पेड़ है, तो इसके लगभग नींबू आके उतर भी चुके हैं, और दोबारा आने की तैयारी है। तो ये देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये नींबू के सफ़ेद सफ़ेद फूल दोबारा से आ गए हैं। और ये हमारा जामुन का पेड़ है इधर, तो इसके भी जामुन आएंगे, पर इसके बारिश के टाइम पे जामुन आएंगे। और इधर ये हमारी गेहूँ की फसल है। और दूसरी बात, हमारे केले के पेड़ भी हैं यहाँ पे। केले के पेड़ बहुत ही ज़बरदस्त ऊंचे हैं, पर केले आ गए। और केले आने के बाद ये, कहने का मतलब, ये गुच्छा टूट के नीचे भी गिर चुका है। तो ये देखो नीचे गिर गया है, और ये हमारे केले हैं।